अब क्या करना है, हमने इसके ऊपर ये बीफ को रख दें इस तरह, यस ऐसे इसके ऊपर रख दिया। ये देखें इस तरह होना चाहिए, इस तरह रेशे होने चाहिए अंदर से। ये देखें एक पीस होता है इस तरीके से, ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं बाबा रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। इससे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि हम बकरा ईद की रेसिपियां आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो मुझसे मोहब्बत करने वाले, देखने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर भी किया करें। और हम जो कारोबारी हजरात हैं उन तक भी रेसिपियों का सिलसिला जारी है। और जो हमारा मजदूर तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, जो कुर्बानी का नहीं ले सकता, उसके लिए भी हमारी टीम प्लान कर रही है कि उनके घरों में किस तरीके से हम गोश्त पहुँचाएँ। इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएगी लाजमी हर चीज़। अब पहले मैंने आपको रोश की रेसिपी दी, नमकीन रोश किस तरीके से तैयार होता है। आज भी मैं आपको एक स्पेशल बकरा ईद को लेकर के पटाटो के साथ, आलू के साथ रोश किस तरीके से तैयार होता है। पिशावर की ये डिश है, पंजाब में भी फेमस हो चुकी है। अब ये आप बकरा ईद पे बनाएं, कारोबार करें, वो आपकी मर्जी। आइए देखते हैं किस तरीके से बनती है। मैंने ये 3 किलो बीफ ले लिया, इस तरीके से बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा ली। तकरीबन 200 ग्राम की एक बोटी मैंने कराई, 3 kg है। और मैंने बिल्कुल जो इसकी फैट है वो साफ़ नहीं करवाई, हल्की हल्की सफाई करवाई। जो कचरा वगैरह था, छीछड़े वगैरह थे, वो साफ़ करवाए। जो फैट थी, ओरिजिनल चर्बी थी, वो साफ़ नहीं करवाई। ये 3 किलो इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 7 से 8 अदद मेरे पास लीमू थे, उनका मैंने इस तरीके से रस निकाल लिया। अगर आपके पास फ्रेश लीमू नहीं है तो आप वो जो बोतल वाला मिलता है मार्केट से, वो भी डाल सकते हैं। ये 7 लीमू थे, इसको शामिल करते हैं, कोई मसला नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, 1 इंच का टुकड़ा लहसुन का था और 8 जवे मेरे पास, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 8 जवे लहसुन के थे। ये मैंने पेस्ट बना लिया, ये इसमें शामिल करते हैं, कोई मसला नहीं है। टेंशन ना लिया करें, इस तरह अच्छे तरीके से जदीद तरीके से रेसिपियाँ, शार्ट रेसिपियाँ, कमाल की रेसिपियाँ। लाहौरी नमक बारीक 10 रुपये किलो वाला, ये 1.5 टेबलस्पून नमक का शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मैरिनेशन करना है इसकी। इस तरीके से इसको मैं, ये देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको लगा दें। ये देखें, तो आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। बकरा इतने सारे मिसाले वाले गोश्त ना खा लिया करो, इस तरह भी बढ़ाया करो जिस तरह मैं दस रहा हूँ। और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें, जब तक मैं आपको और प्रोसेस तैयारी बताता हूँ इसका। आलू किस तरह इस्तेमाल होंगे, किस तरीके से जो इसकी स्टीम बनेगी, कितनी देर रखेंगे, मुकम्मल गाइड करता हूँ। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। ये पतीला ऊपर चढ़ा दिया, आधा घंटा कंप्लीट हो गया। कमाल की रेसिपी देने लगा हूँ, ऑथेंटिक रेसिपी देने लगा हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं कितना टाइम लगाएंगे, पतीले में बना रहे हैं, जो लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं कर सकते या उनके पास नहीं है वो किस तरीके से बनाएंगे, मुकम्मल देखिएगा। कवर हटा दिया। ये मेरे पास आलू हैं, 2 किलो आलू हैं। अब ये देखें जो छोटे साइज के हैं वो मैं इसी तरह डाल दूंगा साबित ही, जो बड़े साइज के हैं उनको मैं काट दूंगा। ये जो बड़े साइज के हैं इनके 2-2 पीस कर लें इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से 2-2 पीस कर लें इनके। तो आप कहेंगे कोई चीज छिलने नहीं है, मत छील लो आलू, धोने धो के अच्छे तरीके से खुश कर लेना आपने इनको। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब क्या करना है, कैमरामैन दिखाएगा, इसको ऐसे लगाना है आपने इस तरीके से। ये देखें ऐसे सेट करके नीचे लगा दें इस तरीके से, किसी भी तरीके से, किसी भी स्टाइल से लगा दें, कोई मसला भी नहीं है। इस तरीके से ये देखें। आप कहेंगे मैंने आपको कोई चीज़ तैयार करके दिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये जो कटे बड़े थे मैंने काट लिए, जो बड़े नहीं थे मैंने साबित छोड़ दिए। इस तरीके से लगा दें। ये मेरे पास प्याज है, 3 अदद प्याज हैं ये देखें, इसके अंदर साबित रख दें इस तरीके से। टमाटर है मेरे पास, ये तकरीबन टमाटर प्याज का वज़न बनता होगा 1.5 पाव, ठीक है। और टमाटरों का वज़न बनता होगा 300 ग्राम तकरीबन। ये टमाटर हैं, 6 टमाटर बनते हैं इस साइज के। ये इसके अंदर इस तरीके से रख दिए मैंने। ये मेरे पास 7 से 8 सब्ज मिर्चें हैं, ये कड़वी कम होती हैं, बड़े वाली हैं। ये डालते हैं इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, साबित काली मिर्च ये शामिल कर दें, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। बस अब मैं आपको बताता हूँ। ये 3 पाव पानी, ये वाटर 3 पाव ये इसके अंदर शामिल कर दें। अब क्या करना है हमने, इसके ऊपर ये बीफ को रख दें इस तरीके से, इस तरीके से बड़े बड़े पीस जो हमने बनाए थे इस तरीके से रख दें। गोश्त के अंदर कुदरती तौर पे अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है, ये बात आपके जहन में रहे। इस तरीके से रख दें, ये ऐसे 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 इसके ऊपर रख दिया। ये जो हमारे पास हमने लीमू वगैरह लगाए थे ना, इसके अंदर ये जो बीज वगैरह इसके साथ थे, इसको छान के इसमें शामिल कर दें, ये वेस्ट नहीं कर देना। इसमें डाल दिया। अब क्या करना है आपने, फ्लेम को हाई करने लगा हूं। हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको जोश आने दें, पकने दें, कवर नहीं कर देना। गल नू समझा करो, इसको ढक्कन नहीं ढकना, कवर नहीं करना। ये 5 से 7 मिनट में पकने लग जाए, जोश आ जाए, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पकने लग गया है 5 से 7 मिनट में। ये मेरे पास आटा था, फ्लेम को थोड़ा सा मैं कम कर दूं आपको बताने के लिए। ये हार्ड गूंदा हुआ आटा था, नरम नहीं था रोटी वाला, हार्ड गूंदा हुआ। इसको इस तरीके से ले लें, ये 2 पीस कर लिए इसके, खुशके में थोड़ा सा डिप किया, इसको इस तरीके से थोड़ा सा राउंड कर लूँ मैं, इस तरीके से, इस तरीके से, जैसे आप वल्ले वाले पराठे बनाते हो इस तरीके से इसको कर लें। इसको हमने सील पैक करना है, आपके जहन में होनी चाहिए बात। ये देखें, ये इस तरीके से, इस तरह, इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, जहाँ से कोई एक्स्ट्रा लगे तो वो उतार लें इस तरीके से, ये इस तरीके से। दोबारा ले लें, थोड़ा सा खुशके में डिप करें, इसको ऐसे गूंदें थोड़ा सा, इस तरीके से इसको करें। मैं सारे किनारों पे लगा लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये नहीं वीवर, ये देखें, ये मैंने इसको इस तरह आटा लगा दिया सारा। 1/2 किलो मेरे पास जो है ना ये ऑयल है, ठीक है, ये हाँ जी 1/2 kg। ये अब जब पकने लग गया इसके अंदर डाल दें, पकते वक्त पहले नहीं डाल देना। ये इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें, ये इसका कवर ले लें, इसको ऐसे ऊपर रखें, अच्छे तरीके से प्रेस कर दें इसको इस तरीके से। देखो ये प्रेस हो गया पूरी तरीके से, ताकि हमें इसके अंदर स्टीम चाहिए, हमें इसके अंदर जो है ना स्टीम इसकी रिमूव नहीं करनी। इसको अच्छे तरीके से जहाँ से आपको लगे कि स्टीम निकलने का खतरा है वहाँ से इसको प्रेस कर दें अच्छे तरीके से, इस तरह। ये देखिए दबा दें थोड़ा सा, बस। ये मेरे पास 2 अंडे हैं वज़न के तौर पे, ये इनके ऊपर रख दें और साथ में ये मिसाले वाली डब्बी भी चढ़ा दें। वज़न इसके ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। इसको आप हमने क्या करना है, अब फ्लेम हाई नहीं रखना। अब ये दम वाली आंच से थोड़ा सा ज़्यादा, स्लो आंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, बस। आप समझ रहे हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखा देगा क्लिप तो वो आप देख लीजिएगा। 1 घंटे के लिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको स्लो आंच पे। 1 घंटे के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी, इसको खोल के हम आपको चेक कराएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। ये लें व्यूअर, तकरीबन 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका है। ये स्लो आंच पे 1.5 घंटा मैंने इसको छोड़ दिया। 1 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था, गोश्त ठीक तरीके से टेंडर नहीं था। मैंने 1/2 घंटा इसको मज़ीद दिया स्लो आंच पे, ये पकता रहा। आप अपने इलाके के हिसाब से देखा कीजिए, हर इलाके के हिसाब से पानी चेंज होता है, गोश्त का टेस्ट चेंज होता है, गोश्त की जो है ना क्वालिटी किस किस्म की आप ले रहे हैं, बड़े जानवर का ले रहे हैं, छोटे जानवर का ले रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको 1 घंटे के बाद, 1.25 घंटे के बाद चेक कर सकते हैं। कई जगहों पे 40 से 50 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद इसको खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारा कमाल की खुशबुएं आ रही हैं। कमाल का टेस्ट। किसी छुरी की मदद से ना इसको हल्का हल्का आटा यहाँ से इस तरीके से उतार लें। देखें इस तरीके से, इस साइड से भी उतार लें ताकि आराम से हमारा कवर उठ जाए। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रही माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारे लुक। ये देखें इस तरीके का, ये हमें जिस तरह का चाहिए था उस तरह का हमें बिल्कुल कंप्लीट मिल गया। अब इसके अंदर ये जो ग्रेवी है ना, यखनी जो है, ओए होए क्या इसका टेस्ट है। लेकिन ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप सेल दुकान पे रेस्टोरेंट पे बना रहे हैं फिर वो यखनी साथ देते हैं, ये बात आपके जहन में रहे। मैं आंच तेज़ करके इसको 5 से 7 मिनट पकाऊंगा, थोड़ा सा खुश करूंगा इसको। ये आंच मैंने तेज़ कर दी, फुल खोल दी, देख सकते हैं आप। इसको मैं 5 से 7 मिनट पका लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 5 मिनट मैंने इसको 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पे पका के जो यखनी थी मज़ीद मैंने खुश करनी थी वो मैंने खुश कर ली। मुझे अब ये इस तरह का चाहिए, देखें इस हिसाब से, इस तरह का बस। अगर इसके मैं टेंडर की बात करूं तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इस तरह का मुझे चाहिए। देखें मैं चम्मच से तोड़ रहा हूँ फिर भी ये देखें इस तरह का चाहिए। ये देखें बिल्कुल। अब इसको मैंने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और ये इस तरह की एक परात लेके, क्योंकि ढक्कन पे आटा लगा हुआ था वो धुला हुआ नहीं है, इसको लेके 3 मिनट के लिए दम पे देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। चलिए, और 4 मिनट के बाद इसका दम खोलने लगे हैं। माशाल्लाह आयल ऊपर आ गया है। कमाल का टेस्ट इसका बनेगा, कमाल की खुशबू बनेगी। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। कोई भी एक पीस उठा लें, ये देखिए यहाँ पर रख लें पहले। ये एक आलू उठा लें, यहाँ पे रख लें। ये देखें इस तरह होना चाहिए। अगर मैं इसको दिखाऊँ गर्म है भी, क्योंकि ये देखें, ये देखें इस तरह रेशे होने चाहिए अंदर से। ये देखें इस तरीके का, ये टेंडर होना चाहिए। बात समझ आ गई आपको। अब आपने करना क्या है, ये तो मैंने आपको इसका तरीका बताया। अब प्लेट की सर्विंग किस हिसाब से होती है ये मैं आपको बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पीस होता है इस तरीके से, एक आलू होता है साबित इसी तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे देते हैं वो रेस्टोरेंट वाले। 300 रुपये की प्लेट ये होती है। ये एक पीस इस तरह का आलू, एक साबित इस तरह का, 300 रुपये की प्लेट देते हैं। अगर हम इसमें पानी की बात करें तो जो मैंने पानी डाला था बाद में गोश्त ने अपना पानी छोड़ा, मैंने उसे खुश कर दिया। आप जितनी यखनी चाहते हैं रखें, जितनी पसंद नहीं करते उतनी ना रखें, खुश कर लें। वो वेरी सिंपल फार्मूला है। रेट भी आपको बता दिया, 200 से लेके 250 ग्राम का पीस लेंगे तो ये 300 रुपये की जो है ना प्लेट इस तरीके से, एक आलू और वो एक पाव का पीस इसमें होगा, 300 रुपये की सेल होगी। मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया, ईद के हवाले से आपको रेसिपियां दे रहा हूं। इंशाल्लाह आप टेंशन ना लिया करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।